को वहां से भाग नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे, पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है, और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इन बलाम जिंदाबाद के नामों से लाहौर जेल गूंज चुकी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान उनके साथ आंख रहे हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सोनरस की हत्या का मुकदमा ही चला। 23 मार्च 1931 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की तराहों से निकला था, और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ऑक्सफोर्ड हॉल में माइकल ओ'ब्रायन को गोली मारकर इस जनसंघर्ष का बदला लिया था।